हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, आज हम थोड़ा अलग टॉपिक करेंगे। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपकी, मैंने इंडेक्स पॉलिटी आपको ऑलरेडी करवा दिया है, एचपीजी के मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टार्ट कर दिया है, अलग इंट्रोडक्शन वीडियो थी आपकी। अभी जो जियोग्राफी का एक टॉपिक इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जितने आपके टोटल सब्जेक्ट है टीजीटी आर्ट्स कमीशन की हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कमीशन वालों के लिए वीडियो, अगर आप टेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तब भी आपके लिए वीडियो ये हेल्पफुल है। इसके अलावा अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल रहने वाली है। इसमें देखने वाले हम इंडियन जियोग्राफी का थोड़ा सा एक नज़र हम देखेंगे कि जियोग्राफी में आपका जो इंडियन जियोग्राफी में किस तरह का आपका जो है, अगर बात की जाए आपके इंडिया की, इंडिया का जो आपका अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतर आपका जो है कितना है, इसके अलावा जो आपकी कितनी किलोमीटर आपकी इस साइड की लाइन है, कितनी किलोमीटर आपकी इस साइड की है, कौन कौन से आपके पड़ोसी देश हैं, कितने आपके पड़ोसी देश हैं, कितनी देशों के साथ आपकी जो है स्थलीय सीमा लगती है, कितने के साथ जलीय सीमा लगती है, इस तरह के जितने भी टॉपिक आपके बनेंगे, दक्षिण बिंदु आपका कौन सा है, आपका उत्तर का बिंदु कौन सा है, पूर्व पश्चिम, ये इस तरह के जितने भी टॉपिक है वो सभी कंप्लीट इसमें हम देखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन वीडियो है, भारत का भूगोल ओवरऑल जितना आपका जो है इंट्रोडक्शन के तौर पर आपका जो देखने को मिलेगा उसके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका जो है एग्जाम में आपसे जो पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि भारत का जो है भूभाग है उसका जो अक्षांशीय विस्तार आपका कितना है। तो सबसे पहली बात, आपको अक्षांश और देशांतर का आपका पता होना चाहिए। तो अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर बता देता हूँ अक्षांश और देशांतर क्या है, हालांकि अलग से डिटेल में उसकी एक वीडियो बनी है, वो प्लेलिस्ट में आपको अलग से जाकर देखनी पड़ेगी, जियोग्राफी के फोल्डर में आपको मिल जाएगी, ये वीडियो भी आपको उसी में मिल जाएगी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं बाद में इन फ्यूचर कभी भी। तो ये देखिए, तो ये है आपका ग्लोब, पृथ्वी आपकी कैसी है, पृथ्वी आपकी है अंडाकार, ये गोल है लेकिन गोल नहीं है, गोल कहा जाता है कि पृथ्वी आपकी गोल है लेकिन जो पृथ्वी आपकी गोल नहीं है। तो देखिए, ये है आपका पृथ्वी का, मैंने ये आपको स्ट्रक्चर बता दिया। अब जो पृथ्वी में जो इस तरह की आपकी जो लाइन है आपकी खींची गई है, उनको कहा जाता है देशांतर, यानी कि इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो ये लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करें इसके इधर इस साइड की जो आपकी लाइन है, ये बीच में आपकी जीरो डिग्री है, यहाँ पे भी आपकी ये जीरो डिग्री है, ये जीरो डिग्री आपकी देशांतर है यानी कि लॉन्गिट्यूड, और अगर आपकी इधर की बात की जाए तो ये आपकी लेटिट्यूड। तो ये दोनों अलग अलग है, ये आपने थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना, आपने देखा होगा अगर आपने मैप देखा है तो ये आपको चीजें इसमें पता होनी चाहिए। तो इसी तरह ये नीचे तक है, ये ध्रुव की ओर आपकी अक्षांश की जो रेखा है ये ध्रुव तक जाती है, जिसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आए। अब देखिए, दो चीजें आपको मैं बता रहा हूँ उसको आप समझिएगा। एक ये वाला जो ऊपर वाला भाग है जीरो डिग्री से, जो ऊपर वाला यहाँ से ऊपर वाला भाग है, ये है आपका उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला है दक्षिणी गोलार्ध। याद रखिए, अक्षांश रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ, जीरो डिग्री जो अक्षांश रेखा है उससे जो ऊपर वाला भाग है वो है आपका उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो भाग है वो है आपका दक्षिणी गोलार्ध। उसी तरह आपकी जो जीरो डिग्री आपकी जो देशांतर रेखा है, यानी जीरो डिग्री जो आपकी लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड लाइन की अगर हम इधर की बात करें तो इस साइड वाला जो एरिया है वो है आपका पश्चिमी देशांतर, और इस साइड वाला जो एरिया है वो है आपका पूर्वी देशांतर। तो ये चीज आपने इतना सा पहले आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, ये पूरी पृथ्वी आपकी जीरो डिग्री देशांतर की अगर हम बात करें तो आपका जो टाइम जोन की अगर मैं बात करूं तो ग्रीनविच लंदन से आपका ये समय आपका लिया जाता है। तो मान लीजिए जीरो डिग्री लंदन आपका यहाँ पे आता है, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से इधर का एरिया आपका जो पश्चिमी है, इधर से वाला आपका जो है ये पूर्वी है। तो ये आपको मान के चलिए, इतना आपको आयु क्लियर हो जाना चाहिए। अब जो आपके जो भारत का है जीरो डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, जीरो डिग्री जो देशांतर है, भारत कहाँ आता है आपका, तो भारत आता है आपका ये मान के चलिए कि इस बिंदु पे आपका जो है भारत देश आ रहा है। अब देखिए, इसमें देखिए अगर जीरो डिग्री की बात करें, जीरो डिग्री जो अक्षांश है, अक्षांश से जीरो डिग्री ऊपर उत्तरी अक्षांश में आपका जो भारत आ रहा है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में आपका जो है भारत का एरिया आता है। तो अब आपका जो है जो भारत के लिए जो आपका लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो यूज होगा वो आपका पूर्वी देशांतर होगा, और इसी तरह आपका जो है उत्तरी अक्षांश होगा, क्योंकि उत्तरी अक्षांश आपका जो है ये वाली जो रेखा है आपकी उत्तर की ओर जा रही है, उत्तरी गोलार्ध में आपका जो है अक्षांश रेखा में भारत की कितनी आपकी पोजिशन है, उसी तरह जो है देशांतर में आपकी पूर्वी देशांतर में कितनी भारत की पोजिशन है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसको आपसे अलग वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा आपको जनरल आइडिया में दे रहा हूँ। अब देखिए, भारत की बात करते हैं, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार की जब बात की जाती है, उत्तरी अक्षांश में हम इसको देखने वाले हैं कहाँ से कहाँ तक है। देखिए, जो भारत का जो अक्षांश है वो है आपके 8 डिग्री, आप इसको अप्रोक्सीमेट लेके चलिए, आगे पॉइंट पॉइंट में है उसको आप छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ आपको जनरल पता होना चाहिए। तो 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री उत्तरी,
तो आपका जो भारत की अगर हम बात करें, लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें, तो माफ कीजिएगा लेटिट्यूड की हम बात करें यानी कि अक्षांश, तो अक्षांश रेखाएं आप किस तरह से इस तरह के आपकी चल रही है, ये आप इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए भारत का इसमें पूछा गया है कि भारत का जो अक्षांश है आपका वो आपका कितना है, अक्षांशी विस्तार पूछा गया है, क्योंकि जीरो डिग्री आपके भारत के बिल्कुल नीचे है, तो जीरो डिग्री आपके यहाँ से आपकी जो स्टार्ट होगी, आई होप आप देख पा रहे होंगे, और उसमें जो भारत की पोजीशन कहाँ से आपकी स्टार्ट होती है, उत्तरी अक्षांश की ओर हम चल रहे हैं, तो ये आपकी 8 डिग्री से, ये आपके मान चलिए 8 डिग्री जो आपका लेटिट्यूड है, यहाँ से आपका जो है भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार आपका जो है शुरू होता है, ये आपने इतना सा याद रखना है, ठीक है, ये आपको इतना आयु पता लग जाना चाहिए, जो आपका 8 डिग्री अक्षांश आपका जो है इधर आपका जो है अंडमान और जो निकोबार द्वीप है उसका आपका ये एरिया नीचे लिया जाता है, ये काफ़ी नीचे है, ये इस तरह से नहीं है, ये बड़ी मुश्किल से मैं बनाया है, वो भी मेरे फ्रेंड ने बनाया है, इतना काफ़ी है आयु, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए बस, 8 डिग्री से आपका जो है उत्तर की ओर चल रही है, इस तरह की ओर चल रही है, और कितने तक जाएगा ये आपका, जब हम ऊपर स्टार्टिंग में पहुंचेंगे यहाँ तक जो ये रेखाएं आपकी, इसके बीच सारे में आपकी ये रेखाएं होगी, ये बात आप समझ लीजिए, पूरी पृथ्वी में इस तरह से आपको जो है अक्षांश रेखाओं के द्वारा आपको इसको बांटा गया है, तो ये जो आपका होगा यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, माफ कीजिए ये वाला जो आपका पॉइंट है लास्ट, ये कितना होगा आपका 37, तो 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश इसमें बिल्कुल लगेगा, उत्तरी अक्षांश क्यों लगेगा, क्योंकि उत्तर की ओर ये लाइन आपकी जा रही है, भारत का जो है 8 डिग्री से लेकर कितने डिग्री तक है, तो 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जो है भारत का इसका विस्तार माना जाता है अक्षांश रेखाओं का, तो इतना आई होप आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। उसी तरह देशांतर की रेखाएं भी इधर सारे में इधर से नीचे को भी हो रहे हैं, तो यहाँ से लेकर है, तो जाहिर सी बात है अक्षांशीय विस्तार कहाँ से माना जाएगा, जो आपका ये यहाँ पे आपके गुजरात आता है, गुजरात के साथ वाली जो अक्षांश रेखा है वहां से लेकर आपका जो है कहाँ तक देखा जाएगा, यहाँ तक आपका ये दिखा जाएगा। तो अब आपके जो है देशांतर की बात करते हैं, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना होगा, यानी कि भारत का लॉन्गिट्यूड, तो भारत का जो लॉन्गिट्यूड लाइन है वो कितने से कितने बीच आपकी जो है पड़ती है, तो अगर इसका मैं अप्रोक्सीमेट आपको जो है बताऊँ देशांतर, तो 68 से लेकर आपके 97 तक अप्रोक्सीमेट इसको मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ से जो आपकी ये जो रेखा आई है 68 है आपकी, और यहाँ पे आपकी जो खत्म हो रही है ये आपकी 97, तो यानी कि भारत का जो विस्तार है देशांतरीय विस्तार वो कितना है, वो है 68 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी में इसमें क्यों लिखा है आपको बुक्स में समझ नहीं आएगा, तभी मैंने आपको ये बताया पूर्वी क्यों लिखा है, क्योंकि 0 डिग्री से इधर को जितने भी आपके देश है, जितने को लाइनें वो जा रही है देशांतर रेखा है वो आपकी इस साइड को आ रही है, वो पूर्व की ओर जा रही है, तो 0 डिग्री से इधर को पूर्व की ओर जा रही है और इधर को आपके पश्चिम की ओर, तो इसमें क्या लगेगा आपके 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर भारत का विस्तार आपका कहाँ है 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, तो ये दो चीजें आप जो है याद रख लीजिए। अब ना केवल आपको देशांतर और आपको जो अक्षांश याद रखना है, इसके साथ साथ आपको इसमें और चीज़ की एक याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि ये आपकी जो उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध है, इसी तरह पूर्वी आपका देशांतर है पश्चिमी देशांतर है, ये आपका कैसे डिवाइड किया गया, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाता है अमेरिका की अगर बात की जाती है, तो अमेरिका में क्या आना था, अमेरिका में उत्तरी आपका जो है उत्तरी अमेरिका भी है, आपका जो दक्षिणी अमेरिका भी है, दोनों है। अगर उत्तरी की बात की जाए तो, अगर उत्तरी अमेरिका की बात की जाए तो उसमें जो आपका देशांतर विस्तार आना था उसके आगे आपके उत्तरी के अक्षांश लगना था, उसी तरह आपके पश्चिमी देशांतर लगना था, वही मैं आपको इंडिया का यहाँ समझा रहा हूँ, क्योंकि इंडिया आपका 0 डिग्री से इस साइड को है यानी कि पूर्व की ओर है, तो इसमें जो देशांतर रेखाओं का जो विस्तार आपका हो रहा है वो आपकी पूर्व की ओर है, इसलिए जो दक्षिणी जो अगर मैं बात करूँ, चाहे दक्षिणी भारत हो या फिर आपका उत्तरी भारत हो, दोनों में जो देशांतर रेखा है वो आपकी किस साइड की ओर जा रही है, तो आपकी पूर्व की ओर जा रही है, क्योंकि आपकी उत्तरी गोलार्ध में आपका ये पड़ता है। अक्षांश रेखा की अगर बात करें तो आपके अक्षांश में इसको देखें, अक्षांश में आपका जो उत्तरी गोलार्ध है, देशांतर में आपका पूर्वी देशांतर है, तो ये आपने याद रखना है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि आपके अक्षांश है, तो इतनी चीज अगर आपने ये भी याद रख ली कि भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में है, एक चीज आपने याद रखी, तो जाहिर सी बात है उसके आगे जो आपके पास दिया होगा वो आपके पास उत्तरी अक्षांश दिया होना चाहिए। उसी तरह अगर देशांतर की बात की जाए तो देशांतर में आपके पास जो संख्या दी होगी या फिर जो ऑप्शन दिए होंगे उसके आगे आपका जो पूर्वी देशांतर दिया जाना चाहिए। एक लॉजिक ये है, अगर आपके पास डायरेक्ट आपको नंबर इनके याद नहीं है कि कितना कितना विस्तार आपका जो है भारत का कहाँ कहाँ पे है, तो ये चीज आपको आई होप इतनी पता लग गई होगी। तो ये था आपका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो कि आपको मैंने बता दिया। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा जाता है कि दक्षिणम बिंदु आपका जो कौन सा है, यानी कि दक्षिण की बात कीजिए, दक्षिणम बिंदु माना जाता है इंदिरा पोल को, जो कि आपके अंडमान जो निकोबार द्वीप में साइड में,
यहाँ पे आपका जो देखने को मिलता है, तो ये आपने इतना सा याद रख लेना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो आपका जो दक्षिणम बिंदु है कौन सा है, तो इंदिरा आपका कॉल, तो इंदिरा कॉल को आपको जो माना जाता है, माप की जगह इंदिरा पॉइंट को आपके माना जाता है, दक्षिण बिंदु इंदिरा कॉल कहा जाता है आपके उत्तरी, तो यानी उत्तर का जो आपका ये वाला एरिया है, लास्ट जो आपका पॉइंट है इसको कहा जाएगा इंदिरा कॉल। और जो यहाँ पर लास्ट वाला पॉइंट है अनुमानिक द्वीप समूह का, जो कि आपके 8 डिग्री से जहां से इसको मेजर किया गया है, स्टार्ट किया गया है, उसको माना जाता है इंदिरा पॉइंट। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है आपका, तो ये आपका इंदिरा पॉइंट। अगर मुख्य भूमि का पूछा जाए तो मुख्य भूमि का आपका जो कन्याकुमारी तमिलनाडु के कन्याकुमारी को जो है अंतिम बिंदु उसको माना जाता है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। उसी तरह आपसे जो पश्चिमी पूछा जाता है और इसी तरह आपसे जो पूर्वी पूछा जाता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिखने को मिल सकता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आईएएस की जो बुक है दृष्टि विजन, उसकी जीके की जो आपकी बुक है उससे आपको ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी का। तो अगर आप देखना चाहें तो उस बुक को खोलकर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए पश्चिमी की बात करें तो गुहार मोती आपके जो गुजरात वाला एरिया है, ये गुजरात या यूप आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका एक जो है एरिया पड़ता है जहाँ को कहा जाता है आपके गुजरात गुहार मोती। तो गुहार मोती जो है ये आपका पश्चिमी बिंदु माना जाता है इस 68 डिग्री वाली लाइन का, तो ये आपने याद रखना 68 डिग्री देशांतर का जो पूर्वी बिंदु है गुहार मोती जो कहाँ पे आपके गुजरात में है, इंपॉर्टेंट है। उसी तरह यहाँ पे अरुणाचल की बात की जाए तो अरुणाचल में जो आपको पूर्वी बिंदु है वो माना जाता है किबिथु। तो इस तरह से लिखा है, मैं आपको लिख देता हूँ किबिथु जो अरुणाचल में आपका लास्ट वाला एरिया है, बिल्कुल आपके जो लास्ट वाला एरिया है इसको माना जाता है जो आपके 97 जो आपके डिग्री पूर्वी देशांतर वाली जो ये लाइन है ये आपका माना जाता है पूर्वी का अंतिम बिंदु। तो पूर्वी बिंदु कौन सा है भारत का, तो ये आपका किबिथु अरुणाचल प्रदेश के साथ, ये बिल्कुल आपका है, आप मैप भी देख सकते हैं, ये मैंने बनाया है। बाकी जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपके सामने जो मैप होगा, तो अभी आप मैप खोल के बैठ जाइए क्योंकि काफी चीजें आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ, इनके प्रोसीडेशन की बात की जाए चाहे कुछ और, इसलिए आगे देखिए और इसमें क्या देखेंगे। अच्छा इनका एक जो टोटल आपको ये देखना है कि उत्तर से दक्षिण तक जो आपकी जो ये सीमा है, उत्तर से जो दक्षिण तक का आपका जो ये विस्तार है, ये आपका ये मैं बता रहा हूँ ये वाला है, ये कितने किलोमीटर है टोटल, ये है आपकी 3214 किलोमीटर, माफ कीजिएगा 3214 किलोमीटर आपकी ये लाइन है। अगर आपको याद रखना है तो रख लेना, मैंने तो याद नहीं रखा है लेकिन मुझे आइडिया है कि 3000 के अप्रोक्सीमेट है, इतना आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसके जो टोटल आपके जो कितने किलोमीटर आपकी लेंथ है भारत के देशांतर की अगर बात की जाए तो ये कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। उसी तरह कई बार आपसे पूछा जाता है पश्चिम से पूर्व की या पूर्व से पश्चिम की, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी कितनी है, तो 2933, तो ये वाली जो आपकी लाइन से ये वाली इतनी कितना है इसका 2933 किलोमीटर। तो 2933 किलोमीटर आपका कौन सा है अक्षांशीय विस्तार आपका जो टोटल आपका फैला हुआ है भारत। इसके अलावा एक और चीज़ आपने याद रखनी, इससे मुझे याद आया, अगर आपको याद हो कि जो मैंने आपको बता दिया यहाँ कि 0 डिग्री देशांतर है, अब जो है 30.5 डिग्री ऊपर और 30.5 डिग्री नीचे, तो यहाँ पे दो रेखाएं आपकी देखने को मिलती है आपकी, ये आपने याद रखना है, एक आपकी कर्क रेखा और एक आपकी मकर रेखा। मकर रेखा की हम बात नहीं करेंगे, कर्क रेखा की बात करेंगे। कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो भारत के टोटल जो है 8 राज्यों से आपकी जो है कर्क रेखा गुजरती है। उसकी एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झा गिरा, तो ये एक ट्रिक है, उसके माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। अब जो है कहाँ कहाँ से गुजरती है, आप जो इस मैप में अपने पास जो आपके पास मैप है, इसमें मैं ज़्यादा जो कलाकारी नहीं करना चाहता, बड़ी मुश्किल से बनाया है, मैं इसको फिर से नहीं बना सकता। तो चलिए इसको मैं बता देता हूँ कि आपके क्या लाइन है, एक बार लाइन आप सुन लीजिए, मित्र पर गमछा झा गिरा। तो इससे आपके टोटल जितने राज्यों से आपकी जो है कर्क रेखा गुजरती है उसके बारे में आपको इसमें टोटल दिया होगा। तो इसको आप ऐसे ही याद रख लीजिए कि मित्र पर गमछा झा गिरा, तो मित्र से आपके जो पहला आपके मिजोरम आएगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ मिजोरम, मित्र के त से जो आपके त्र आएगा तो उससे आपका त्रिपुरा, मिजोरम त्रिपुरा। उसके बाद आपके मित्र पर 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 से आपके पश्चिम बंगाल, प से आपके पश्चिम बंगाल, और इसके अलावा आपके पश्चिम बंगाल के बाद र से आपका जो है राजस्थान। तो मिजोरम त्रिपुरा पश्चिम बंगाल राजस्थान, उसके बाद आपका गुजरात गमछा से गुजरात, उसके बाद झारखंड, और उसके बाद आपका छत्तीसगढ़। तो ये आपके टोटल है इतने, 1 2 3 4 5 6 7, एक आपका बच गया है, वो कौन सा बच गया है आपका, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश। तो आपकी जो टोटल जो कर्क रेखा है आपके भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये आपकी 8 राज्यों से गुजरती है, ये आपने जो है फैक्टर याद रखना है।
तो मैं बात कर रहा था 0 डिग्री से 23.5 डिग्री पे आपकी जो है कौन सी रेखा है, तो ये आपकी कर्क रेखा है। उसी तरह जिस तरह आपके उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा है, उसी तरह आपके जो है दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे आपकी जो है मकर रेखा आती है। तो ये आप साथ साथ फैक्टर्स को याद करेंगे। बाकी जो मकर रेखा क्योंकि भारत से नहीं गुजरती इसलिए हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी जो कर्क रेखा गुजरती है ये प्रश्न आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं। हो सकता है डायरेक्ट आपसे यही पूछा जाए कि टोटल कितने आपकी जो है राज्यों से गुजरती है, टोटल आपके 8 राज्यों से कर्क रेखा आपके भारत में गुजरती है, जो कि आपको मैंने बता दिया। ठीक है, आपकी मित्र पर गमछा जा गया, तो उसमें आपके पास मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात के बाद आपने यहाँ मध्य प्रदेश लिख देना, क्योंकि गमछा जा गया तो ये आपने याद रखना, ग से गमछे के ग से पहले गुजरात, दूसरे माँ से आपकी जो है मध्य प्रदेश, उसके बाद झारखंड और छत्तीसगढ़, आइए आपका इतना सा याद रखना है। आपकी कर्क रेखा होगी तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अब इसके अलावा एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत का जो टाइम जोन है वो आपका जो कितने डिग्री पे जो है आपका ये माना गया है, या फिर इसको ये कहें कि आपका निर्धारित किया गया है। तो एक जो रेखा आती है 82.5 डिग्री, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वाली ये रेखा है। हो सकता है आपको ये ना दिखा हो, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। 82.5 डिग्री आपकी जो पूर्वी देशांतर रेखा है, इसके जो है जो आपका बीच वाला एरिया है उसको माना गया है आपका टाइम जोन, जो कि आपके ग्रीन से कितना आगे है, ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा जाता है। तो ये कितना आगे है तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है 5.5 घंटे। अब देखिए इसको कैसे निकाला जाता है, आपको इतना सिंपल सा बता देता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपके आर्ट स्टूडेंट तो आपको ये समझ नहीं आएगा। इतना आप याद रखिए, ग्रीनविच को कहा गया है 0 डिग्री लाइन, तो 0 डिग्री लाइन और आपके 82.5 डिग्री भारत की अगर हम बात करें तो वहां से आपका जो ये मानक समय माना गया है ये आपने याद रखना है। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं, जो आपका कहाँ पे माना गया है 82.5 डिग्री आपके इलाहाबाद में, इसको जो है माना जाता है इलाहाबाद से ये मेजर किया जाता है। 1 डिग्री जो है आपके देशांतर की बात करें तो 1 डिग्री जो देशांतर है उसको जो है आपके दूसरे डिग्री देशांतर तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ये लगते हैं आपके टोटल 4 मिनट। तो ये इफेक्ट आपने याद रखना है। अब क्योंकि 82.5 डिग्री आपके यहाँ पे इसको समय लिया गया है, तो अगर आप एस सिंपल आप यही कर दे, अगर आप 82 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये होता है आपका 328 मिनट। तो इतना आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे आधा डिग्री और है, क्योंकि 1 डिग्री कितना लिया है, तो 1 डिग्री लिया है आपके 4 मिनट। अब आधे डिग्री में कितना समय लगेगा, तो आधे डिग्री में लगेंगे आपके 2 मिनट, तो यहाँ पे इसको 2 मान के चलिए, तो यहाँ पे आपका 10 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो यानी कि टोटल कितना समय लगा आपके 0 डिग्री से आपके 82.5 डिग्री आने तक सूर्य की किरणों को, तो वो कितना समय लगा 330 मिनट। अब जब इसको आप घंटे में आप इसको लेंगे तो ये कितने घंटे होते हैं, 5 घंटे। इसको आप सीधा कर दिए, 5 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करें तो आपका 30 आ जाता है, यानी कि आपके कितने 5 घंटे 60 मिनट के हिसाब से, अगर 60 मिनट का जो एक घंटा आपका होता है तो यानी कि 5 घंटे 30 मिनट तो आपके पास यहाँ बची गए। 300 को आप लेके चलिए, 300 मिनट में कितने आपके हो गए, 5 घंटे होते और 30 मिनट आपके पास बच गए, तो यानी कि आपके कितना है 5 घंटे 30 मिनट आपके जो है आगे चल रहा है। अब इसको हम आगे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो सूर्य का जो उदय होता है वो किस साइड से होता है, आपके पूर्व की साइड से, तब इसको हम आगे लेके चले और इसको हम इधर को एक पश्चिम की साइड को हम पीछे लेके चले गए, तो ये आपने इतना याद रखना है। अब जो सूर्य का उदय होता है सबसे पहले कहाँ होता है, तो वो आपके जापान में होता है, इतना आप जो है याद रख लीजिए, तभी इसको हम कहेंगे कि हम आगे चले हैं। कहाँ से, लंदन से हम जो भारत का जो समय है वो कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। इससे आसान आपको कोई नहीं समझाएगा, इतना जो है मैंने कोशिश कर दी अपनी ओर से आपको समझाने की। अगर आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि 2 देशांतरों के मध्य जो है सूर्य की किरणों को पहुंचने में कितना समय लगता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर की ओर, तो ये आपका टोटल कितना समय लगेगा, तो ये आपके 4 मिनट। इतना आपको आई होप क्लियर हो जाना चाहिए। अब जो इसकी हम बात कर रहे थे, ये वाली जो रेखा है आपकी जो ये बीच में नीचे आती है, तो ये कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो ये 5 राज्यों को आपके स्पर्श करती है। आप मैप खोल के देख लीजिए वो 5 राज्य आपके कौन कौन सी है, ऊपर से आप देखिएगा, अगर आप 82.5 डिग्री आप देखें तो वहां से आप नीचे की ओर देख लीजिए कि कितनी आपके जो राज्य को ये स्पर्श करती है, तो आप जो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो देख अगर आप देख रहे होगे मैप के ऊपर, आपके पास अगर मैप है तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें आपका जो है उत्तर प्रदेश आपका एरिया आ गया, उसके अलावा आपके पास मध्य प्रदेश में थोड़ा सा छूटता है, छत्तीसगढ़ इसमें आपका देखने को मिलता है, ओडिशा और आपका इसमें आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य आपके पास, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आपका आंध्र प्रदेश। तो ये इस तरह से ये लाइन ही थोड़ी सी आपकी टच होती है, ये देख लेना आप चेक जाके मैप आपको जो है ये देखना पड़ेगा, तो ये चीज भी आपको जो है क्लियर हो गई है।
बाकी मैंने ये आपको बता दिया कि कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच आपकी गुजरती है। टोटल आपके कितने, आपके 8 राज्य हैं, तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवा दिया है। इसके अलावा आप देखते हैं कि भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है ये आपका कितना है, तो इसको आप याद कर लेना, ये है आपके पास 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसको आप कहां लिखे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये है आपका टोटल एरिया, तो ये आपने इतना याद रखना है। तो आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर टोटल आपका क्षेत्रफल है भारत का। अब देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का वो कितना परसेंट है, ये प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, तो वो कितना परसेंट है, तो ये है आपका 2.4% आपका जो टोटल आपका जो कवर करता है एरिया भारत का पूरे विश्व में। वही जनसंख्या की अगर हम बात करें तो पूरी जो विश्व की जो जनसंख्या है उसका लगभग 17%, अगर मैं आपको पूरा बताऊं तो पूरा है आपका 17.5। तो 2.4% आपका जो क्षेत्रफल आपका जो है ये कवर करता है, और 17.5 यानी कि 17.5% आपका जो पूरी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का आपका 17.5% आपका जो है भारत में जो है आपकी ये जनसंख्या निवास करती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हाँ, अब एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल के हिसाब से जो है 2.4% एरिया जो आपका ये कवर कर रहा है, ये कितने नंबर पे आपका आता है, तो ये चीज आप देख लीजिए, इससे बड़े आपके कौन कौन से राज्य है। तो इसको आप जो नोट डाउन अगर आप करना चाहें तो नोट डाउन भी आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए, तो भारत से जो बड़े हैं राज्य वो आपके कौन कौन से हैं, तो एक तो आपके पास सबसे पहले तो आपके पास रूस है, कनाडा है, यूएसए है, चीन है, ब्राजील है, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है। तो क्रमशः ये 6 बड़े राज्य आपके जो है भारत से बड़े हैं, और भारत का जो स्थान आता है पूरे विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से जो कि आपका 2.4% इसने जो कवर किया है, तो वो आता है 7वें नंबर पे। तो 7वें नंबर का जो सबसे बड़ा देश है आपका भारत, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो बात की जाए भारत की जो पड़ोसी राज्य आईपीएस भी आपको पता होगा, तो पड़ोसी राज्य एक तो आपका पाकिस्तान हो गया, इसके अलावा आपका अफगानिस्तान आपका हो गया, इसके अलावा जो आपका यहाँ अगर आप देखें नेपाल, भूटान जो कि थोड़ा मेंशन किया है, ये वाला पूरा एरिया आपका जो चाइना वाला एरिया हो गया, इसके अलावा ये बांग्लादेश वाला एरिया हो गया, म्यांमार हो गया आपका, थाईलैंड हो गया, ये सभी आपके जो है भारत के पड़ोसी राज्य है। अब देखिए प्रश्न आपसे और क्या पूछा जाता है इसमें, इसमें टोटल आपके प्रश्न बनेंगे, इसमें 3 से 4 प्रश्न आपके बनेंगे, किन के साथ स्थलीय सीमा लगती है, किन के साथ जिलीय सीमा लगती है, ये चीज आप जो है मैप के थ्रू भी आप आराम से देख सकते हैं। अब देखिए इसमें और आपका जो है एक इसमें पॉइंट आपको मेंशन कर देते हैं कि टोटल जो भारत की जो स्थलीय सीमा है जो आपकी टोटल है वो कितनी है, 15,106 वर्ग किलोमीटर जो आपका ये एरिया है भारत के टोटल क्षेत्रफल का, जो कि आपका 2.4% आपका बना, ये टोटल आपका इतना एरिया है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जो इसमें भी आपका अलग अलग डिवीजन किया गया है, इसमें क्या डिवीजन किया गया है, इसमें से अगर हम देखें तो इसमें से तटीय जो भाग है उसकी लंबाई आपकी जो है 7,516 वर्ग किलोमीटर। तो ये वाला जो एरिया है जो कि आपके पानी से घिरा हुआ है, जहां से लेकर अगर आप देखें तो इस साइड वाला एरिया जो ये घिरा हुआ है ये कितना है आपका, तो ये है आपके पास 7,516 वर्ग किलोमीटर। ना केवल ये आपका जो इधर आपका जो अंडमान निकोबार है और इस साइड को आपका जो लक्षद्वीप वाला जो एरिया है, इनको भी आपके काउंट करके टोटल जो आपका तटीय एरिया है भारत की स्थलीय सीमा का वो है आपके पास कितना है, 7,516। इसको भी मैं लिख देता हूँ, 7,516 किलोमीटर वाला ये आपका एरिया है। अब देखिए इसमें भी आपके डिवाइड किया गया, अगर आपसे पूछा जाए टोटल आपका जो स्थलीय सीमा का जो तटीय एरिया है वो कितना है, स्थलीय सीमा ये वाली है आपकी, इसमें आपका जो ये वाला एरिया है इसको जो काउंट नहीं किया जाएगा, तो आपका 6100 किलोमीटर है, यानी कि 6100 किलोमीटर आपका जो ये वाला एरिया आपका इस साइड से यहाँ तक बनता है। जो भाग आपका जो है पानी से तीनों तौर से घिरा होता है वो आपका प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये आप ये मान लीजिए भारत प्रायद्वीप का ही आपका एक रूप है, तो ये भी आपको जो पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके और कौन से प्रश्न आपके इसमें बच गए, इसमें आपका बच गया है आपका आईएसटी, मैंने बता दिया इलाहाबाद से आपका ये लिया जाता है, नैनी के आपका इलाहाबाद के निकट एक नैनी जो है वहां से ये स्थान है आपका, वहां से जो इसका एरिया आपका लिया जाता है। इसके अलावा जो भारत के जो दो राज्यों की सीमा केवल एक राज्य से लगती है, मेघालय असम से, और वहीं आपका सिक्किम जो है पश्चिम बंगाल, सिक्किम आपका कुछ यहाँ पड़ता है, तो सिक्किम जो आपका राज्य है इसकी सीमा एक ही से लगती है, वो आपकी पश्चिम बंगाल से लगती है, बाकी किसी से नहीं लगती। उसी तरह आपकी जो बात की गई मेघालय की, मेघालय की जो सीमा है वो आपकी असम से लगती है, यहाँ पे ये वाला एरिया है। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इसको जो है मैप पे आराम से देख सकते हैं।
इसके अलावा और आपका क्या इसमें फैक्ट है, क्षेत्रफल के हिसाब से गुजरात की बात की जाए, माफ कीजिएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में जो सबसे बड़ा जो आपका जिला है इम्पोर्टेंट है, ये आपने रखना है। भारत का सबसे बड़ा जिला कहाँ है आपके, तो ये आपके गुजरात में आपका ये एरिया है, ये आपने याद रखना है, जो कि आपका कौन सा है, तो कच्छ। तो कच्छ आपका जो जिला है सबसे बड़ा है पूरे भारत का, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता है राजस्थान आपका जो सबसे बड़ा एरिया है ये आपका, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सबसे छोटे की बात की जाए तो गोवा आपका जो सबसे छोटा है ये भी आपको पता होना चाहिए। जनसंख्या के हिसाब से बात की जाए अगर जो है इसमें जो है संघ शासित प्रदेशों में, तो उसमें जो आपका सबसे जो बड़ा है वो आपका दिल्ली होगा, सबसे छोटा आपका जनसंख्या के हिसाब से आपका कौन सा होगा, तो ये होगा लक्षद्वीप आपके केंद्र शासित प्रदेशों में। इसके अलावा बात की जाए तो केंद्र शासित जो प्रदेश है उसका जो है कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका तीन राज्यों में फैला हुआ है, तो वह आपकी पांडुचेरी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका इसमें सबसे बड़ा जो जनसंख्या के हिसाब से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, आप सभी को पता होगा, और सबसे जो छोटा है वो आपका सिक्किम है जनसंख्या के हिसाब से, ये भी आपको जो है इसमें पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें तो आपको खुद ही याद करनी पड़ेगी। हाँ, ये वाली कुछ चीज़ें थी जो आपको लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भारत का जो अक्षांश है देशांतरीय विस्तार है ये आपको थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज हो सकता था, बाकी कर्क रेखा आपका थोड़ा सा ये हो सकता था, मैंने ट्रिक के माध्यम से इसको कोशिश की समझाने की। इसके अलावा आपका और क्या है, इसके अलावा आपका बच गया है यहाँ पे, अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो सबसे ज्यादा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है सबसे ज्यादा 8 राज्यों को आपकी उसमें स्पर्श करती है। बाकी ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी, इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे, इंडियन जियोग्राफी से और भी टॉपिक आपके काफी बनते हैं। ये थोड़ा सा भारत के अक्षांश देशांतरीय विस्तार था, और बाकी जो विश्व में भारत का जो स्थान कौन सा है, जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है, आपके क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, इसके अलावा भारत से आगे कौन कौन से बड़े देश हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सातवें नंबर पे भारत आता है, 6 देश इससे पहले आपकी जो है क्षेत्रफल के हिसाब से देखने को मिलते हैं। तो ये चीज थी कुछ आपके, ये मैंने जो है आपका उत्तरी पॉइंट बता दिया, आपका इंदिरा कॉल दक्षिणी पॉइंट आपको मैंने बता दिया है, आपका इंदिरा पॉइंट ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। बाकी जो है बाकी क्लासेज आपकी रेगुलर है, एक एक आपकी ये क्लासेज में हर सब्जेक्ट के भी ले रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े से जो है ये सोच रहे हो कि कभी मैं इंडियन पॉलिटिक्स करवा रहा हूँ, कभी मैं जीके करवा रहा हूँ, कभी जो आपका जियोग्राफी का टॉपिक, इसके पीछे रीजन ये है कि जो आपका हर सब्जेक्ट है उसको मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स करवा रहा हूँ तो हो सकता है कि बीच में कुछ बच्चे आपके परेशान हो जाए, बोर हो जाए, तो ऐसा नहीं है। तो सारी क्लासेज आपकी साथ साथ लेने की कोशिश करूंगा, दिन में एक क्लास आपके लिए मैंने कहा है, हो सकता है अभी 1 से 2 दिन आपके लिए क्लास पॉसिबल नहीं हो पाए। उसके पीछे रीजन ये है कि मैंने माइक ऑर्डर किया था, मैं वेट कर रहा हूँ कि माइक आपका जो कब तक आएगा, वो हालांकि डिलीवर होना चाहिए था अभी तक, वो अराइव हो चुका है लेकिन वो अभी मुझ तक जो है डिलीवर नहीं हुआ है। तो उम्मीद है कि जब तक वो आएगा तब तक हो सकता है कि क्लासेज आपके लिए ना बन पाए, कि उसके पीछे रीजन ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट के जो कमेंट आ रहे हैं कि आपकी आवाज़ नहीं आती, तो उसके पीछे यही रीजन है कि आपकी जो है विदाउट माइक के आज आपकी क्लास आज भी हुई है। तो बाकी मिलते हैं क्लासेज में, क्लासेज आपके लिए कंटिन्यू चलिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं क्लासेज में रेगुलर, आप मेरे साथ जो है बने रह सकते हैं, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।